ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि सफलता के लिए विद्यार्थियों को 8 बातें ध्यान रखना चाहिए और अगर ये विद्यार्थी ध्यान नहीं रख पाते हैं तो माता पिता का फर्ज बनता है कि विद्यार्थी को वो 8 बातें उन्हें याद दिलानी चाहिए। जिंदगी में हम सब सीखते रहते हैं और हम सब विद्यार्थी हैं। आचार्य चाणक्य की संपूर्ण चाणक्य नीति जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है, विद्यार्थियों के लिए बहुत बेहद उपयोगी और अद्भुत नीतियों के बारे में उन्होंने बताया है। इन नीतियों का पालन करके कोई भी विद्यार्थी उत्तम और सही रूप में शिक्षा प्राप्त करने में सफल हो सकता है और अपनी जिंदगी में हर मुकाम हासिल करने की काबिलियत हासिल कर सकता है। इन्हीं नीतियों में से एक के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ सकें और इन्हें अपनी जिंदगी में अहम बदलाव ला सकें। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक जो 8 दोष हैं उसका त्याग करना चाहिए। वो 8 दोष हैं काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट भोजन, श्रृंगार, हंसी मजाक और निद्रा, और अपने शरीर सेवा में अधिक समय न दें। इन 8 दोषों को त्यागने से विद्यार्थी को विद्या प्राप्त हो सकती है। अब इन दोषों के बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से आपको बता देते हैं। काम भावनाओं से बचना चाहिए। जिस व्यक्ति के मन में काम भावना या काम वासना उत्पन्न हो जाती है वो हर समय अशांत रहने लगता है। ऐसा व्यक्ति अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए सही गलत कोई भी रास्ता नहीं अपना सकता। सही के लिए अलग अपना नहीं सकता, गलत के लिए कुछ भी कर सकता है। तो कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सही गलत कोई भी रास्ता अपना लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई विद्यार्थी अगर काम वासना के चक्कर में पड़ जाए तो पढ़ाई छोड़कर दूसरे कामों की ओर आकर्षित होने लगेगा। उसका सारा ध्यान केवल अपनी काम वासना की पूर्ति की ओर लगने लगता है और पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों को ऐसी भावनाओं से बचना चाहिए। दूसरा है क्रोध। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, उसे सही गलत की पहचान नहीं रह जाती। और जो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का है और छोटी छोटी बात पर भी गुस्सा होकर कुछ ऐसा कर बैठता है जिसके लिए आगे चलकर पछताना पड़े, तो वैसे लोग क्रोध आने पर किसी का भी बुरा कर बैठते हैं। जब दूसरे का बुरा होगा तो तुम्हारा तो बुरा होगा ही होगा, तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे आप। ये सिर्फ स्टूडेंट्स पर लागू नहीं होता है, सब पे लागू होता है। तो ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति का मन कभी भी शांत नहीं रहता है। विद्या प्राप्त करने के लिए मन शांत या कोई भी काम करने के लिए मन शांत और इच्छित होना बहुत जरूरी है। अशांत मन से शिक्षा प्राप्त करने पर मनुष्य केवल उस ज्ञान को सुनता है, उसे समझकर उसका पालन कभी नहीं कर पाता। इसलिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्रोध पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। फिर है पराई चुपड़ी, जो लालच होता है ना, लालच से दूर रहना चाहिए। लालच देखिए बुरी बला है, हम सब ने सुना भी है, पढ़ा भी है। लालची इंसान अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी के साथ धोखा भी कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सही गलत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो जिस व्यक्ति के मन में दूसरों के वस्तु को पाने का हक या छीनने का बात दिमाग में आ जाता है तो उसकी योजना में बनाने में लग जाता है। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी अपनी विद्या के बारे में सतर्क नहीं रह सकते हैं और अपना सारा समय अपने लालच को पूरा करने में गंवा देते हैं। तो विद्यार्थियों को अपने मन में कभी भी लोभ या लालच की भावना नहीं आने देना चाहिए। फिर स्वादिष्ट पदार्थ तथा भोजन के चक्कर से हमेशा दूर रहना चाहिए। जिस इंसान की जीभ वश में नहीं होती है वो हमेशा ही स्वादिष्ट व्यंजनों की खोज में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति अन्य बातों को छोड़कर केवल खाने में सबसे ज़्यादा लगा पड़ा रहेगा, उसी को अहमियत देगा, उसके बारे में सोचता रहेगा। कई बार स्वादिष्ट व्यंजनों के चक्कर में मनुष्य अपने स्वास्थ्य तक से समझौता कर बैठता है। तो विद्यार्थियों को अपने जीभ पर कंट्रोल रखना चाहिए ताकि वो अपने स्वास्थ्य और अपनी विद्या दोनों का ध्यान रख सके। फिर श्रृंगार मतलब सजना संवरना और अपने शरीर सेवा में अधिक समय जो देते हैं वो लोग। जिस विद्यार्थी का मन सचने सवरने में लग जाता है वह अपना ज़्यादातर समय इन्हीं बातों में गवा देता है।
ऐसे व्यक्ति खुद को हर वक्त सबसे सुंदर और अलग दिखने के लिए मेहनत करते रहते हैं, और इसी में हमेशा उनका दिमाग में सौंदर्य, अच्छे पहनावे और रहन सहन से जुड़ी बातें घूमती रहती है। सजने संवरने के बारे में सोचने वाला व्यक्ति भी कभी भी एक जगह ध्यान केंद्रित करके विद्या नहीं प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थी को ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहिए। फिर हंसी मजाक में आप व्यर्थ समय नहीं बर्बाद करें। किसी अच्छे विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण जो गुण होता है गंभीरता। विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने और जीवन में सफलता के लिए इस गुण को अपनाना बहुत जरूरी होता है। जो विद्यार्थी अपना सारा समय हंसी मजाक में व्यर्थ कर देता है वो कभी सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है। विद्या प्राप्त करने के लिए मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है, और हंसी मजाक में लगा रहना वाला विद्यार्थी अपने मन को कभी भी स्थिर नहीं रख पाता है। फिर है निद्रा। निद्रा पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आवश्यकता से अधिक सोने से बचें। अमूमन स्वस्थ मनुष्य के लिए 6 से 8 घंटा सोना आवश्यक होता है। विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे आवश्यकता से अधिक सोने से बचें। अत्यधिक निद्रा से शरीर में हमेशा थकान बनी रहती है, और अगर शरीर थका हो तो ध्यान केंद्रित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अध्ययन के लिए दिमाग को केंद्रित होना अत्यंत आवश्यक है। तो आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई नीतियों को अपनाकर हर विद्यार्थी अपने सपने साकार कर सकता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।